श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी कभी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण होते जाने पर भाग्य भी नष्ट होता जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, यह जीवन है आपकी अपने स्वभाव में जियो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जला देना देर तक सुलगाने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिसे वह प्रेम करता है उसकी याद से नहीं बच सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है।